हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पॉइलर। एपिसोड 5 देखने से पहले जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर दो। यार कितनी बार बोलूं? अच्छा तो ठीक है, आप लोग नहीं करोगे सब्सक्राइब तो मैं आगे की एपिसोड नहीं डालूंगी। जा कट्टी। देखो मैं सच बोल रही हूँ, इसके बाद कट एपिसोड नहीं आएगी, उसके बाद मुझे कुछ मत बोलना। डैमो का स्पाई आके बोलता है, हाँ सर वो तो जिंदा है। डैमो बोलता है जल्दी से उसे मार डालो। फिर दूसरे सीन में दिखाता है लीन कर्तव्य करके इंसी को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसी नहीं हंसती। तो लीन बोलता है छोड़ो चलो चाय पीते हैं, लेकिन इंसी बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुन के लीन उसे छोड़ के खुद चाय पीने लगता है और बोलता है बहुत टेस्टी है पी लो ना। चाय पीने के बाद ही वो खांसने लगता है। इंसी बोलती है प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, लेकिन लीन खून की उल्टी करता है और गिर जाता है। इंसी चिल्लाने लगता है लिन तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, कोई बाहर है जल्दी आओ। फिर वहाँ फूसू और वेक्सू आके लिन को इस हालत में देखते हैं। फूसू बोलता है इसे जहर दिया गया है। फिर डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करके वेक्सू के सामने सर नामे हिला के चले जाते हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। फिर वेक्सू फूसू को बोलती है फूसू तुम कुछ ब्लड दोगे तो ये बच जाएगा, लेकिन फूसू साफ साफ मना कर देता है। वेक्सू गिड़गिड़ाने लगती है ये मेरी भाई है प्लीज इसे बचा लो, इसके अलावा और कोई नहीं है मेरे पास। जब डैमो को पता चलता है इंसी अब भी नहीं मरी, वो खुद जाके इंसी को मारने की ठान लेता है, नहीं तो क्या पता कब उसका फूल खुल जाए। रात में वेक्सू फूसू को चाय पीने को देके बोलती है सॉरी मुझे तुम्हें ब्लड के लिए नहीं फोर्स करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे छोटू सा भाई है, मैं और क्या करती। चाय पीते ही फूसू को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो गया। वेक्सू फूसू को इस हालत में देख के चाक को निकालता है और फूसू के हाथ को काटने के लिए आगे आती है, लेकिन काट नहीं पाती। फिर फूसू बोलता है तुम अगर चाहते हो तो काट लो। फूसू को देख के वेक्सू घबरा जाती है। फिर फूसू बोलता है जिसके ब्लड सारे जहर का रामबान है उसे क्या ये नींद आने वाली ड्रग सुला सकता है। फिर वेक्सू रोने लगती है मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं पता बोल के। फूसू वेक्सू को इस हालत में देख के और चुपचाप बैठ नहीं सका, वो बोलता है ठीक है चलो। दूसरे ओर डैमो सीक्रेटली इंसी को मारने उसके रूम में आ जाता है। वहाँ इंसी लीन के पास बेड बैठ के सो गई थी, वो उसे मारने ही जा रहा था लेकिन किसी के आने का आहट सुन के रूम के अंदर छुप जाता है। फिर वहाँ फूसू आके इंसी को उठा के बोलता है सुनो बाहर जाओ। और फिर इंसी बाहर जाने के बाद फूसू अपना हाथ काट के लीन को अपना खून पिलाता है। डैमो ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद फूसू बाहर आता है और वेक्सू को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। वेक्सू भी क्या बोलेगी, वो चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही। फिर सुबह वेक्सू फूसू के पास आके बोलती है कल रात तुम बहुत ब्लड निकाल चुके हो, कुछ खाना खा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगा। फूसू उसकी बात ही नहीं सुनता और कुछ नहीं खाता। वेक्सू फिर बोलती है मैंने ये खुद बनाई है खा लो ना। फूसू फिर से मुंह फेर लेता है, फिर भी वेक्सू उसे खिलाने की कोशिश करती रहती है। ये देख के फूसू बोलता है थैंक यू मैजिस्ट्रेट, लेकिन मुझे जब भूख होगा मैं खुद जाके खा लूंगा। और वहाँ से जाने लगता है। वेक्सू बोलती है रुक जाओ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिर उसे गले लगा के बोलती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर फूसू उसे और रोने नहीं देता और उसके सामने के ओर मुड़ जाता है। फिर वेक्सू फूसू को किस करती है और फिर ये जीव पगली वहाँ पे भी हाजिर हो जाती है। लेकिन इस बार वेक्सू गाली करने से पहले वो बोलती है सर लीन को होश आ गया है। फिर क्या सभी वहाँ से चलते हैं लीन के पास। लीन उठ के चिल्ला रहा था मुझे जहर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे समझा क्या है। इंसी लीन को गले लगा के बोलती है ये सब मेरे वजह से हुआ सॉरी। लीन तो बहुत खुश हो जाता है और फूसू और वेक्सू को वहाँ से जाने के लिए इशारे से बोलता है
और उसके बाद दोनों ऐसे ही गले लगा के बहुत समय तक बैठे रहते हैं। इसके बाद डैमो को दिखाता है, वो मरमेड के ऊपर स्टडी करने लगा था और उसे पता चल गया कुछ जहर को छोड़ के और सभी जहर को मरमेड के ब्लड से ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली डैमो को भी पॉइजन दिया गया था, डैमो को कोई पॉइजन दे के अपने लिए काम करवा रहा था और हर महीने उसे एक एंटीडोट मिलता था। तो वो सोचता है अगर फूसो को वो पकड़ लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर वो चलता है राजा के पास और बोलता है ये जो चाकू से मास्टर को मारा गया है वो यांचू की फिन से बनी है और यांचू ही फूसो का माँ है और ये फिन वाली चाकू मजिस्ट्रेट के पास है, इसीलिए शायद फूसो मजिस्ट्रेट को अपने बस में कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ उसे अगर बंदी बना के इंटरोगेट करा जाए वो सब बोल देगा। राजा भी बोलते हैं तुम ठीक बोल रहे हो मजिस्ट्रेट, तुम उस मरमेड को कारागार में डाल दो। वेक्सु अब क्या करेगी, क्या वो अपने प्यार को बचा पाएगी या अब फूसो गया काम से, देखते हैं अगले एपिसोड में। ओह अरे नहीं नहीं, आगे का एपिसोड तो नहीं डालूंगी मैं, जब तक 50 कमेंट नहीं आएगा मैं न्यू स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगी। अच्छा तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है ना, एक बात बोलो, खाना बनाऊं, घर का सारा काम करूं, आधी रात तक स्क्रिप्ट लिखूं, उसके बाद वॉइस ओवर एडिट वगैरह वगैरह स्क्रीनशॉट सब करके और वीडियो अच्छे से बना के आपके पास पेश करूं, और उसके बदले अगर आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, जो भी होगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, यही तो होगा ना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।